शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय दो। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय दो। दाऊद का मंदिर बनवाने की इच्छा करना और यहोवा का दाऊद के वंश में सनातन राज्य स्थिर करने का वचन देना। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नाम भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। उसी दिन रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा कि जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यो कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूं। जहां जहां मैं समस्त इस्राएलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इस्राएल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया है कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे जैसे कि पहले दिनों में करते थे, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्यायी ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। और यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटाकर उसको तेरे आगे से दूर किया, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों को और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है? तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है, और हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है, तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है,
जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि वह अपना नाम करे और तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे, और तू अपनी प्रजा के सामने जिसे तूने मिस्री आदि जाति जाति के लोगों और उनके देवताओं से छुड़ा लिया, अपने देश के लिए भयानक काम करे, और तूने अपनी प्रजा इसराइल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया, और हे यहोवा तू आप उसका परमेश्वर है। अब हे यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है उसे सदा के लिए स्थिर कर और अपने कहने के अनुसार ही कर, और यह कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करें कि सेनाओं का यहोवा इसराइल के ऊपर परमेश्वर है और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, हे इसराइल के परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तुझसे यह प्रार्थना करने का हियाव हुआ है, और अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य है, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है, तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सन्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे।